हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल वसीम पे। दोस्तों आज आपके सामने एक एरर पे शो कर रहा था जहां मोरफो डिवाइस के ऊपर ऑथेंटिकेट करने का ऑप्शन आ रहा है यहां पर। तो ये यूटीआई जब पिन कार्ड अप्लाई करते हैं तो वहां पे एक इशू आती है इस प्रकार का। यहां पे नॉर्मली कभी अप्लाई करते हो कभी कभी सब कुछ सक्सेस हो जाता है, सही काम करता है। कभी कभी वहां पे जैसे अप्लाई करने बैठो, पेमेंट कटाने के बाद जैसे चेक होता है उसके वहां पे फिंगर मांग लिया जाता है। बहुत सारे लोगों को इशू आती है, नॉर्मल उनका तो काम करता है बट उनका जो होता है फिर मोरफो नॉर्मल काम कर रहा है लेकिन यूटीआई पोर्टल काम नहीं कर। इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, इंटरव्यू देख लेना एंड डिस्क्रिप्शन चेक करें। वहाँ पर सॉफ्टवेयर जो पेड है 50 रुपीज़ प्राइस है उनकी जो है वो से आप फिक्स कर सकते हो अगर ये इशू आपको आ रहा है। लेकिन इससे पहले आप जान लो ये इशू क्यों आता है एंड आप माइनर के पिन कार्ड बना सकते हो नहीं जो 18 वर्ष से कम है उनके। एंड एक इशू लोगों के आया था कि पेन कार्ड अप्लाई कर दिया, सबमिट कर दिया, सब कुछ कर दिया एंड सिग्नेचर अपलोड करना है, अगर अपलोड करें कुछ टाइम लगा दे 1-2 दिन तो वहाँ से वो डेटा हट जाता है जहाँ से अपलोडिंग डेटा दिखता है। तो उसके ऊपर मैंने वीडियो बनाई थी, तीनों टॉपिक के ऊपर आज वीडियो में बात करें। वीडियो में तो बने रहिएगा, वीडियो चैनल लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पहली बार आया ऐसे नॉलेजेबल इंटरटेनमेंट गेमिंग एंड ऑफलाइन बनाने के साथ साथ बिल्कुल अब लिया। चलिए वीडियो को और लेट करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इसका कारण जानना हो कि ये ऐसा आता क्यों है। तो देखिए जब वो कोई कस्टमर आपको देता है अप्लाई करने के तो आप बेसिकली आधार कार्ड पे करते हो, तो जब उनका डिटेल जानते हो जिनका सही रहता है और सर्वर यूआईडी के वेबसाइट पे जो डेटा है उनका नाम डेट ऑफ बर्थ इंपॉर्टेंट ये दो चीज़ें मैच करती है पैन कार्ड में उनका डेटा के हिसाब से यूआईडी की वेबसाइट पे। तो जो आपने इंटर किया और जो सर्वर पे है वो दोनों मैच करता है तो वह ऑथेंटिकेशन डन आफ्टर पेमेंट जैसे भी करो, जिसे भी करो टोकन कटने के बाद जो भी कर रहे हो आप यूटीआई पोर्टल में बात कर रहा है एनएचएल की नहीं तो वहाँ पे सक्सेसफुली होता है। आगे की प्रोसीड फादर्स नेम वगैरह भरने का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है। अगर आप स्टार्टिंग में देखोगे जो डेटा आपने एंटर किया चाहे वो सही दे रहा आपने गलत टाइप कर दिया या फिर कस्टमर ने जो आधार कार्ड आपको दिए वो अपडेट करवाने के बाद पुराना वाला ही दे दिया आपको तो वहाँ पे आपको एरर मारेगा ही मारेगा क्योंकि आपने डेटा फिल किया है। चाहे आप गलती करके उसका डेटा में कुछ मिसिंग कर दे तो फिल हो गया है या फिर उसने पुराने डिटेल दे दिए हैं और नया अपडेट में कुछ और है, नाम और डेट ऑफ बर्थ ये दो चीज़ ही मैच होता है इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिए। नाम डेट ऑफ बर्थ मेल फीमेल, मेल फीमेल की दिक्कत ना के बराबर आती है लेकिन नाम और डेट ऑफ बर्थ लोग चेंज करा कर पुराना देते हैं तो जाके ये इशू आपको देखने को मिलता है। अब इस इशू का सॉल्यूशन क्या है तो आप बस सर्च करके उनका डेटा ऑथेंटिकेट करो, ऑथेंटिकेट करने के बाद वो ऑटोमेटिक जो डेटा यूआईडी के वेबसाइट सर्वर पर है वो डेटा वहाँ फेच करके वहाँ फिल कर या फिर और मैच कर ले हाँ ये सही है। उसके बाद जो सही डेटा है उस हिसाब से उनको सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट वोटर आईडी कार्ड ड्राइविंग लाइसेंस जो भी उनके पास है जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट होते हैं उसको जब पीडीएफ बनाते हो जहाँ पे आधार कार्ड और फॉर्म का जो आगे पीछे का स्कैन करते हो वहीं पर आपको उसी में इंक्लूड करके वो डेटा भी सबमिट करना होगा, नहीं तो उनका फिर भी रिजेक्शन मारेगा फिर आपको अपलोडिंग डेटा को मांगा जाएगा। तो इसका सॉल्यूशन जो इधर लोग करते हैं, यहाँ पे इशू आती है मोरफो सेटअप की, बहुत लोग का इशू आ जाता है कि काम नॉर्मल मोरफो सेटअप बाकी AEPS वगैरह में DGP में कर रहा है लेकिन जो पेन कार्ड के पोर्टल में तो काम नहीं करता है। इसके ऊपर मैंने वीडियोज बनाए, स्पेशली इसके ऊपर एक सॉफ्टवेयर भी बना के दिया हूँ आपको डिस्क्रिप्शन चेक करो, मेरे से प्राइस ज़्यादा 50 रुपीज़ है। आप चाहो तो इसके ऊपर सपोर्टिंग वीडियो एंड वो सॉफ्टवेयर एंड मेरे व्हाट्सएप नंबर वहाँ मिल जाएगा, डाटा आप मैनेज करें मुझे कह सकते हो। वहाँ पे पेमेंट एंड करने के बाद मैं आपका उसका पासवर्ड प्रोटेक्ट मैं दे दूंगा, आपका इजीली काम कर जाएगा, AEPS भी काम करेगा और इससे भी काम कर जाएगा। अभी हम बात करते हैं कि ये तो हो गई, अब हम कैसे पहचानेंगे कि कौन सा डेटा सही है नहीं है। देखो यहाँ पे दो ऑप्शन है, पहला चीज़ कस्टमर से ये जान ले कि उसने कभी कोई अपने आधार कार्ड में चेंजेस नाम वगैरह एड्रेस वगैरह छोड़ देना उसे कोई इंपोर्ट नहीं है, नाम डेट ऑफ बर्थ चेंज कराया नहीं कराया। अगर वो चेंज कराया तो उनसे सही वाला जो लेटेस्ट न्यू है वो करें, अगर नंबर बेस पे है तो उसको डाउनलोड करके आप मैच कर ले वो कर सकते हैं या फिर आप जाओ सीधा आयुष्मान भारत के पोर्टल पे। अगर उनको कन्फ्यूज़न है कि नहीं मैंने कराया है नहीं कराया है एंड वहाँ पे कोई भी पुराना HHID से आप सर्च कर लो या फिर आप किसी के नाम सर्च कर लो या फिर आप पुराना कोई आयुष्मान भारत पे क्लिक करो और वहाँ पे जाने के बाद तो इस प्रकार से जब आयुष्मान भारत पे आप सर्च करो कोई भी किसी का भी सर्च करना जरूरी नहीं है, आपका CSC ID है तो आयुष्मान भारत भी जरूर आपके पास होगा। आप करोगे या कलेक्ट वैसे किसी भी टैप करना, जैसे टैप करोगे वहाँ का आगे का ऑप्शन आपको मिल जाएगा खुलने के लिए, वहाँ डिटेल वगैरह मांगा जाएगा। फिंगरप्रिंट डिवाइस सक्सेसफुल इंस्टॉल है, अगर यहाँ भी नहीं है तो आप वीडियो देख सकते हो या डिस्क्रिप्शन सॉफ्टवेयर और चेक कर सकते हो जो पैड है आप यहाँ फिक्स कर सकते हो। वहाँ पे ये करोगे वहाँ पे डिटेल करने के बाद इन सब चीज़ों करने का जैसे आप कस्टमर फिंगर वहाँ लगाओगे तो वहाँ पे उनका पहले मोरफो सही रहने पे ये ऑप्शन आपको देखेगा, फिर वहाँ नंबर वगैरह डाल के फिक्स करोगे थंब लगाओ कस्टमर तो यहाँ पे उनका नाम जो रियल में सर्वर पर UID के
एंड उनका डेट ऑफ बर्थ, ये दो चीज़ मैं जिनको कंफ्यूजन है उस कस्टमर के लिए मैं कह रहा हूँ पता करने, जो लोग श्योर है हमने कभी कोई चेंजेस नहीं कराए हैं ये चीज़ याद कर लेना, नहीं करे तो आपका कभी भी ये फिंगरप्रिंट ऑथेंटिकेशन ऑप्शन जो आता है UTI पोर्टल कभी नहीं आएगा, ये दो चीज़ आप हमेशा ध्यान रखोगे। तो यहाँ पे ये दोनों चीज़ चेक करना, नाम डेट ऑफ बर्थ सही है, जो आपका डिटेल दिया उसमें एक एक स्पेलिंग सही है उनका, फिर लो सबमिट करो, दैट आप एक्सेस करो। अब दूसरी बात आती है, ये तो हो गई ऑथेंटिकेशन का सक्सेसफुली ईरर मारने पर, दूसरी बात है बहुत लोगों को डर लगता है कि 18 साल से कम उम्र का हम पैन कार्ड अप्लाई करेंगे बनेगा नहीं बनेगा। देखो मैंने कुछ एक्सपेरिमेंट किए, 18 साल से कम उम्र का आप माइनर पैन कार्ड बना सकते हो, बस जब पैन कार्ड बनाते हो तो लास्ट में जो ऑप्शन रहता है वहाँ पे रेप्रेजेंटेटिव के बारे में, उनके अभिभावक वगैरह जो उनको जो रिप्रेजेंट कर रहा है उनका डिटेल भरना है, चाहे वो उसके माता पिता कोई भी हो उनका, या आधार कार्ड पैन कार्ड जो भी डॉक्यूमेंट मिल जाए जब आप PDF बनाते हो उसमें इंक्लूड कर देना है, वहाँ उनका डिटेल एड्रेस वगैरह सब चीज़ फिल कर देना। उम्मीद है उनका भी पैन कार्ड इजीली बन जाए जैसे नॉर्मल बाकी 18 साल से ऊपर उम्र का बनता है वो तरीका है। एक और ऑप्शन आप लोगों को दिक्कत आती है कि पैन कार्ड कभी कभी हम लोग जो आपको चलते पोर्टल के ऊपर, तो हम सीधा आ गए आपके सामने UTI के पोर्टल के ऊपर। एंड यहाँ पे स्पेशली कुछ लोगों को ये इशू आती है, मान लीजिए आपने किसी का पैन कार्ड अप्लाई किया CSC जिस भी है UTI पोर्टल के ऊपर, आपके जो भी पार्टनर्स रहे हो इसको प्रोवाइडर रहे हो जो UTI का आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, वहाँ पे हमने किसी कस्टमर का अप्लाई कर दिया एंड सबको डिटेल करके फिच करके सबको सही सही अपलोड कर रख दिया। अब हम प्रिंट आउट निकाल लेते हैं, उसमें उनका सिग्नेचर फोटो चिपकाना और इसे अपलोड करने का हमारा रह जाता है। बहुत सारे देखो यहाँ अप्लाई पेन में जाके यहाँ अपलोड डॉक्यूमेंट में उनका डिटेल आपको देखने को मिल जाए, यहाँ से ही अधिकतर लोगों ने अपलोड करते हैं। मान लीजिए किसी कारणवश आपने अपलोड करने थोड़ा टाइम लगा दिया, एक दिन दो दिन लगा दिया, उसके बाद दोबारा अपलोड सेक्शन में आते हो तो यहाँ पे आपका डॉक्यूमेंट नो केस आर पेंडिंग शो करता है। बहुत लोग परेशान हो जाते हैं कि हमने तो अपलोड किया था, हमारे पैसे भी कट गए हैं, पैसा लग भी गया है और हमारा वो डिटेल जो है वो नहीं दिख रहा था, हम क्या करें। इसके ऊपर मैं एक प्रॉपर वीडियो बना दिया हूँ, वो एप्लीकेशन जो मैं बता दूँ आपको इसी वीडियो में कि वो ऑब्जेक्शन चला जाता है, ऑब्जेक्शन यहाँ पे फाइंड अंडर ऑब्जेक्शन, ये दोनों में किसी एक ऑब्जेक्शन मिल जाएगा, आप टोकन नंबर याद रखना उससे मैच कर लेना, आप जो रिसिप्ट में उसमें टोकन नंबर लिखा रहता है और मिला सकते हो, उसको मैंने पूरा वीडियो बनाया, अगर वीडियो आपको भी इन डिस्क्रिप्शन देखने को मिल जाएगा। स्पेशली मोर्फो का इशू आती है तो स्पेशली मोर्फो स्टेशन का सर्विस हमारे उसका वीडियो पहले सपोर्ट वीडियो में दिया वो देख लो, उससे हो जाए तो अच्छी बात है, ना हुए तो डिस्क्रिप्शन चेक करो, आप पेड स्टेशन आपको देखने को मिल जाएगा। UTI पोर्टल वगैरह फिनो वगैरह पे यूज़ करने के 200 प्राइस है एंड सिर्फ सॉफ्टवेयर चाहिए आपको, UTI पोर्टल यूज़ करोगे 50 प्राइस है एंड सपोर्टिंग वीडियो में दे दूंगा कैसे यूज़ करना है, आप खुद से भी कर सकते हो अगर नॉर्मल पहले से मोर्फो दूसरे पोर्टल वगैरह पे आपका PC में काम कर रहा है तो, एंड दोनों पे आप यूज़ कर सकते हो इस चीज़ को। तो फिलहाल वीडियो में इतना ही, वीडियो में अभी तो बने रहने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है आपके जो भी डाउट थे या कोई इशू से पैन कार्ड बनाते हो इस प्रकार के प्रॉब्लम फेस किया लोगों को देखा, तो ऐसा इशू अगर आती है तो ऐसा इशू ना आए वो करो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्यों आपको ऑथेंटिकेट करो फिर उनके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट भेजो ये सब करने की जरूरत ना पड़े। तो वीडियो अच्छा लगा इसे लाइक करें, इसे शेयर जरूर करें एंड आप चैनल हो पहली बार आए ऐसे नॉलेजेबल इंटरटेनमेंट गेमिंग ऑफर्ड टेक्नोलॉजी टैक एंड फैक्ट रिलेटेड पाने चैनल को सब्सक्राइब ना भूल, साथ बेल आइकन को ऑल कर दो, आपकी अभी भी इशू स्टिल बनी हुई है नीचे कमेंट करें आपका रिप्लाई जरूर दूंगा। मिलते हैं एक और नए फ्रेश धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक्निकल वसीम साइनिंग आउट, देखो मगर प्यार से।